अबे टीका, ये क्या कह रहा है तू? ये कहने वाले मलखान भान नहीं रहे। जी हाँ, वही मलखान जो मशहूर टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है में कानपुर की गली के दो लौंडों की जोड़ी का हिस्सा थे। 41 साल के दीपेश के अचानक हुए निधन से शो के स्टार्स और क्रू मेंबर्स शोक में डूबे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपेश शनिवार सुबह क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसे में वो अचानक जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। शनिवार 23 जुलाई को ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 3 साल पहले की शादी हुई थी, उनका 1.5 साल का बेटा भी है। भाभी जी घर पर है में विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाने वाले एक्टर आसिफ शेख के मुताबिक शनिवार को शूट का वक्त थोड़ा लेट था। दीपेश सुबह 7 बजे जिम गए। जिम से लौटने के बाद उन्होंने बिल्डिंग के कंपाउंड में क्रिकेट भी खेला। एक ओवर खेलने के बाद जैसे ही दीपेश बॉल उठाने के लिए झुके, वो थोड़ा लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बाद वो उठ नहीं पाए। उन्हें घर के पास ही एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आसिफ ने कहा कि भान की आंखों से खून निकल रहा था, जो ये ब्रेन हेमरेज की ओर इशारा कर रहा था। डॉक्टर्स ने भी इसे ब्रेन हेमरेज बताया। आसिफ के मुताबिक दीपेश ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, ऐसे में वो क्रिकेट खेलते हुए भागे होंगे और ब्लड प्रेशर शूट अप होने से गिर गए। सीरियल में मोहनलाल तिवारी के किरदार को निभाने वाले एक्टर रोहिताश गौड़ ने बताया कि दीपेश उन लोगों में से थे जो अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखते थे। वो फिटनेस फ्रीक थे। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। भाभी जी घर पर है सीरियल का नाम लिया जाए तो टीका मलखान की जोड़ी को अलग कर नहीं देखा जा सकता। दीपेश के दुनिया से जाने के बाद उनके जोड़ीदार टीका यानी एक्टर वैभव माथुर का भी रो रो कर बुरा हाल है। दोनों की पर्सनल लाइफ में भी गहरी छंती थी। दोनों सोशल मीडिया पर भी फनी वीडियोस पोस्ट करते रहते थे। दीपेश भान ने भाभी जी घर पर हैं के अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कॉमेडी का किंग कॉन, कॉमेडी क्लब, भूतवाला और FIR जैसे सीरियल्स में भी काम किया था। 11 मई 1981 को जन्मे दीपेश ने दिल्ली में पढ़ाई और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करने के बाद 2005 में मुंबई का रुख किया। उन्होंने मई 2019 को दिल्ली में शादी की। जनवरी 2021 में दीपेश एक बेटे के पिता बने। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।